रहमतुल्लाह वबरकातुहु, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं जो है शालीबंडा बेले की रोड पे बालाजी स्वीट हाउस के बिल्कुल करीब में उर्ज हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं आया हूँ ईएनटी के लिए। कान में तकलीफ की वजह से मैं यहाँ पे आया, 10 बजे मैं यहाँ पे आके अपॉइंटमेंट लिया। 10:08 पे मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया। मुझे कहा गया अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे कि 1.5 घंटा आपको वेटिंग करना पड़ेगा। उनका जो नॉर्मल चार्जेस है, उनका जो नॉर्मल डेली वेजेस चार्जेस जो है उनका 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ है। वो बंदा उनका रिसेप्शनिस्ट मुझे बोला कि भाई आप 10:30 जो है सो अपने 10 o'clock के बाद जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपको 350 पे करना पड़ेगा। आप पे करे हो बताइए। मैं 350 रुपीज़ जो है इनको मैं पे किया बताने के लिए कि मेरे को तकलीफ है, मैं पेशेंट हूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो डॉक्टर उरूज है, अब इन्होंने मेरे सामने जो है इस तरीके से बात कर रही कि मिसबिहेव बात कर दे रही। अब मेरे साथ और एक साथी है हमारे, इन्होंने लेडीज के साथ है, इन्होंने 31 को ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन इनके लेडीज के साथ और इनके साथ भी इसी तरीके से रवैया पेश आया है। आप बताइए कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ इनके कि मैं उनको बोला कि डॉक्टर साहब 1 आवर के बाद मैं वापस आया, वो लोग मेरे को 1.5 आवर का टाइम दिए। मैं वापस आने के बाद इन्होंने मेरे को बोले कि भाई आप जो है 1 आवर के बाद मैं आने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि डॉक्टर साहब को जाने का है, नहीं देखते। तो आप तो मैं उनको पूछा मैडम यहाँ पे 350 में उनको पूछा ऑलरेडी ये बात, तो उनमें कुछ जवाब ये दिए कि भाई आपको 10 बजे के बाद आएंगे तो 350 पे करना पड़ेगा, 10 से पहले आप आएंगे तो 150 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है भाई मेरे को तकलीफ है, मैं 350 भी देने को रेडी हूँ, मैं पे कर दिया। जी हाँ, इमरजेंसी में मैं भी एक रिक्वायरमेंट पे आया, फर्स्ट टाइम आया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर का जो मसला है कि वो डॉक्टर ही जो है सो अपने इस तरीके से बात कर रहा है कि फाइट करने के लिए जो है ना हम नहीं देखता हूँ, आप जो करते कर लो, आप नीचे जाके ओपी में बताओ। जब मैं अपॉइंटमेंट डॉक्टर उरुज का लिया तो मैं किस लिए जाके दूसरों को बताऊं? मैं सीधी बात है, ओपी में बताने का वजह क्या है? आप दूसरों से भी आप पूछिए कि मेरे साथ एक का मामला नहीं है, ये यहाँ पे जितने पेशेंट्स आ रहे हैं सबके साथ इसी तरीके से बात हो रही है। तो आप जो है सो अपने एक बार जो है इनसे भी पूछिए कि किस तरीके से यहाँ पे बात किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोहित नवाज खान है। मैं हमारी वाइफ को लेके 31 की नाइट को आया था यहाँ पर, उनको मम्स आ गए थे। अब वो यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं भाई सीवियर पेन हो रहा है, डॉक्टर को बताना होता नहीं, पहले ओपी बना के लाओ। जबकि जो प्रेजेंट ओपी वो लिए हुए हैं इमरजेंसी में, उन लोगों को डिनाई कर रहे हैं ड्यूटी वालों। अब मैं भी लेके आप, मैं बोला एक बार चेक कर लीजिए आप, उसके बाद करता हूँ, नहीं करते। आखिरी लड़ाई झगड़े के ऊपर आ गए, ढकलम ढकली पर कर दिया। और मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ भी मिसबिहेव बात करे। आप पहली बार आए हॉस्पिटल में? 31 को, हाँ फर्स्ट टाइम आया। डॉक्टर अपनी ड्यूटी से भाग जा रहे, जब उनको जो है अपने अगर से नहीं वो करना है तो उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लेना था मेरा। अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए मैं जब रिसेप्शन पे बंदे को भेजता हूँ तो बोलते हैं कि भाई आपको अमाउंट भी रिफंड नहीं मिलता। आप कितना अमाउंट पे करे सब? 350 रुपीज़ पे करा। आप कितना करे? मैं 300 करा। इंजेक्शन का था या पहली बार है या हमेशा ऐसी रहता? अब दूसरे भी पेशेंट बोले वो हमेशा चल रहा बोल के बोले जी, ऐसा हम फर्स्ट टाइम नहीं है, दूसरे भी है हमारे साथ। आपके पेशेंट को भी नहीं देखा? मैं खुद पेशेंट हूँ। आप एमबीबीएस है डॉक्टर साहब? सुनो ईएनटी है भाई, एमबीबीएस का डॉक्टर है, सर्जन है। जी ईएनटी सर्जन है डॉक्टर। हम दो सिर्फ अकेले नहीं है, और दूसरे भी थे, करके दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। आप पुलिस कंप्लेंट करें इस बात। जी हाँ, अभी कंप्लेंट हुई, मैं मेरा नाम से कंप्लेंट दिया पुलिस को, पुलिस भी यहाँ पे आई है स्पॉट पे। नहीं नहीं 100 पर मैं कंप्लेंट किया भाई, डॉक्टर से हमारा मुतालबा एक ही है कि डॉक्टर यहाँ पे आना, माफी मांगना हमसे कि हम उनके कर्जदार नहीं है, ना उन हमारे को कुछ देना है, ना हम उनको देना है। हम बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में बात करो, डॉक्टर इस तरीके से बात करेगा तो आम पब्लिक किस तरीके से बात करेगी। हमारा एक ही है कि भाई आप आइए सामने आके आप जो है ना बात करिए, माफी मांगिए, बस खत्म हो जाए। आपका कहना है कि इस तरीके का नोटिस नहीं करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे चीज को। उनके साथ भी, उनका भी अपॉइंटमेंट है कैंसिल हुआ, सो उनको नहीं करते वो कैंसिल होना। अभी उन्होंने जो है ना पिल के आंख आ जा रहे कि भाई आप वो क्यों बोल गए। तो अब हम जो है कानून को हाथ में नहीं लेके हम कानून के दायरे में काम करें। तो स्टाफ भी बदतमीजी कर रहा है आपके साथ? स्टाफ लेडीज स्टाफ आंख में आ जा रहे हैं, लेडीज स्टाफ को भेज रहे हैं होशियारी से। मैं बोला कि भाई आप पीछे हटिए,
आपका इंटरक्रप नहीं है इसमें, आप मत आइए, डॉक्टर से मैं बात कर लेता हूं। बात करने के लिए आए आप लोग से? नहीं नहीं, सामने से दो चक्कर लगा के डॉक्टर साहब चले गए, फंक्शन में जाना लगा था उनको। ये जो है बेले पे है, शाली मंडे पे, बेले की रोड पे है ये हॉस्पिटल, हरी बोली लगता है। खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर MNC कंपनीज जैसे नेट्रो फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। वेल सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुप्ता, हैदराबाद।